लगातार तीसरे दिन यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिससे भारत में बैठे वो लोग खासे परेशान हैं जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हैं। माता पिता लगातार अपने बच्चों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। करनाल से भी भारी संख्या में छात्र पढ़ाई करने यूक्रेन गए हैं, जिनके माता पिता शनिवार को जिला सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों से अपील की कि उनके बच्चों को वापस लाने का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए। मेरा बेटा है शिवम गोयल और मेरी यही सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द वो बच्चों को वापस बुलाएं। थोड़ी सी सरकार की मिस्टेक रही है कि वो अगर ये डिसीजन पहले ले लेते तो ज़्यादा बेस्ट था हम लोगों के लिए। तो लगातार आपकी बात हो रही है, कोई जानकारी मिली है? हाँ, बात हो रही है हमारी। क्या कुछ सीएम से बात हो रही है? वैसे तो वो ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको फिलहाल तो, लेकिन ये कि आने वाले समय में खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत उसको हो सकती है, क्योंकि खाने पीने का सामान भी इनके पास पूरा नहीं है। परिजनों के साथ वो छात्र भी सचिवालय पहुँचे, जिनके माता पिता ने समय रहते खतरे को भांप लिया और बच्चों को वतन वापस बुला लिया। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने बताया कि उनके दोस्त यूक्रेन में परेशान हैं और खाने के साथ साथ नकदी की किल्लत से जूझ रहे हैं। सभी छात्रों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके दोस्तों को भारत लाने का इंतजाम किया जाए। वहाँ पे जो सुपरमार्केट्स है वहाँ पे भी थोड़ा स्टॉक कम हो रहा है, बैंक में इतने पैसे नहीं है कि सबको प्रॉपरली कैश मिल पा रहा है, तो जो भी है वो एक नियर अबाउट 1 वीक तक का अरेंजमेंट है अभी उनके पास। आगे अरेंजमेंट या तो एम्बेसी ध्यान दे थोड़ा सा आगे, अगर अभी इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्लो चल पा रहा है तो एम्बेसी को ध्यान देना चाहिए कि वो उनको सारा खाना पीना सब मिल पाए। और बस यही है कि एम्बेसी जो भी स्टेप उठाए सोच समझ के उठाए। अभी वो लोग सेफ हैं, अभी अटैक्स वहाँ पे शुरू नहीं हुए हैं, बट एम्बेसी जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और उन्हें निकाले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। फायरिंग हुई थी, फायरिंग की आवाज़ें आई थी तो सब लोग डर गए थे कि क्या हो रहा है, क्या रशिया की मिलिट्री घुस गई है लैंड पे और ग्राउंड फायरिंग हो रही है। और आज सुबह भी थोड़ी सी फायरिंग की आवाज़ आई थी तो सब लोग बॉम्ब शेल्टर में चले गए थे कि हम सेफ रहें। तो अभी पता चला है कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आया था कोई स्काई में, तो यूक्रेन डिफेंस आर्मी ने एयर डिफेंस में फायरिंग की थी। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग सुबह 3 दिन से सोए नहीं है। मेरी फ्रेंड्स मुझे कह रही हैं कि हम सोए नहीं हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। और जो वो है ग्रोसरी स्टोर्स है वो भी बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो रहा है वो बंद हो रहे हैं। और पैसे निकालने के लिए इतनी दूर दूर ATM जाना पड़ रहा है और हर ATM की लिमिट बिल्कुल कम हो चुकी है। अब हालात ये हो चुके हैं कि यूक्रेन में फंसे छात्र अपने वीडियो बनाकर सरकार से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ अब न तो खाने का कोई इंतजाम है और न ही नकदी का। ऐसे में सिर्फ वतन वापसी ही रास्ता बचा है। देखना होगा कि सरकार तक इन परिजनों की फरियाद कब तक पहुंच पाती है, ताकि इनके बच्चे जल्द से जल्द इनकी नजरों के सामने हों। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।